दो तीन क्लासेस से। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में आगे क्या है। तो देखो, इस लेसन का आज का पॉइंट है टेकिंग केयर ऑफ हाउस। इसका मतलब क्या होगा कि हम अपने हाउस की केयर कैसे करेंगे, यानी कि हमें अपना हाउस कैसे अच्छे से बनाना है या फिर अच्छे से रखना है। ओके, तो देखो सबसे पहले सब लोग पेज नंबर 23 निकालो। सबने पेज नंबर 23 निकाला, चलो अभी ध्यान। ओके, तो देखो टेकिंग केयर ऑफ हाउस, कीप योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। तो पहली थिंग हमें यहाँ पे क्या करनी है, कीप योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, यानी कि अपने जितने भी थिंग्स है, अपना जितना भी सामान होता है वो सही जगह पे हमें डालना चाहिए। मतलब यहाँ वहाँ हमें फेंकना नहीं है, तो उस सामान की जो सही जगह है वहीं पे हमें उस सामान को रखना है। ओके, सेकंड थिंग इज थ्रो वेस्टनेस इनटू अ डस्टबिन, यानी कि देखो जो भी सामान वेस्ट है, यानी कि हम बाहर से कुछ चीजें खरीद के लाते हैं तो खाते हैं और बाकी का जो बच जाता है तो वो हमें यहाँ वहाँ नहीं डालना चाहिए। तो वो कहाँ पे डालना चाहिए, हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। कहाँ पे, डस्टबिन। आगे देखो, हेल्प यू एदर्स इन कीपिंग द हाउस क्लीन, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की हेल्प करनी चाहिए। किसमें, किसमें, अपने हाउस को क्लीन करने, यानी कि अपने हाउस की साफ सफाई करने में हमें अपने एल्डर्स की क्या करनी होती है, हेल्प, यानी कि मदद। ओके, द लास्ट पॉइंट इज ग्रो प्लांट्स अराउंड योर हाउस। तो क्या करना है, हमें अपने घर के आसपास बहुत से पेड़ लगाने हैं, बहुत से पौधे लगाने हैं और उनको बड़ा भी करना है। तो बड़ा कैसे करोगे आप, ऐसे हैंड से बड़ा करोगे क्या, नहीं। तो उनमें पानी डालना है, देखना है कि उनके आसपास कोई कचरा है क्या, मतलब उन पेड़ों को भी क्लीन करके हमें उनमें पानी डाल के क्या करना होता है, उन प्लांट्स को बड़ा करना है। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, टेकिंग केयर ऑफ हाउस, यानी कि हमें अपने हाउस की कैसे टेकिंग केयर करनी चाहिए, यानी कि हमें अपने हाउस की कैसे मतलब क्या क्लीन करना चाहिए। ओके, आपको समझ में आया। तो अभी जो भी मैंने अभी बताया वो सब आप अपने घर में करो एंड एक अच्छे बॉय या फिर अच्छे गर्ल बन जाओ। ओके, तो अभी के लिए इस क्लास में हम इतना ही देखते हैं। बाकी मतलब यहाँ पे अपना जो लेसन है, मतलब लेसन नंबर 6 क्या है, लेसन चला अगर हाउस, ये जो लेसन है वो यही पे फिनिश हो गया। तो अगले क्लास में हम देखेंगे इसकी रिविजन एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो अभी मतलब अभी तो ये लेसन फिनिश हो गया, तो अभी क्या करना है, ये टोटल लेसन आपको अच्छे से पढ़ना है।